असलम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme की लेटेस्ट डिवाइस Realme Note 50 की। Realme Note 50 में जनाब 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और इसकी प्राइस की बात करें तो 23,500 रुपये इसकी ऑफिशियल प्राइस है Realme की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर एक न्यू चीज़ Realme ने क्या की है जनाब, 24 मंथ की वारंटी यहाँ पर प्रोवाइड की है। पहले आपने देखा 12 महीने या टेक्नो में 13 महीने की वारंटी आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पर Realme वालों ने आप 24 महीने की वारंटी दी है इस फोन के साथ में। ऑब्वियसली मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आपको पता ही है वारंटी क्लेम का क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में। बाकी 24 मंथ का इन्होंने एक फिगर दे दिया है जो कि मेरे ख्याल में कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। तो अनबॉक्स करते हैं जनाब Realme Note 50 को, देखते हैं कैसी डिवाइस है, डिज़ाइन आपको कैसे मिल रहा है, स्पेसिफिकेशन कैसी दी गई हैं, क्या लेने के काबिल है या नहीं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे Realme Note 50 के बारे में। जी तो दोस्तों, ये है Realme Note 50 का बॉक्स। Realme की ब्रांडिंग है Note 50 लिखा गया, टिपिकल येलो बॉक्स है Realme के, जिस तरह के बॉक्स होते हैं। और न्यू चीज़ ये है जनाब, कॉर्नर पर 24 मंथ वारंटी को मेंशन किया गया, 24 महीने की वारंटी, 2 साल की वारंटी आपको मिलेगी इस डिवाइस के साथ। तो इस साइड पर कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा कलर की बात करें तो स्काई ब्लू कलर है जनाब, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो बॉक्स को कर लेते हैं जल्दी से अनरैप। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है दोस्तों, बॉक्स को करते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है, सबसे ऊपर हमें मिल जाती है एक बुकलेट मेक इट रियल का, यहां पर लिखा हुआ है पिन दी गई सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहां पर आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क Realme की तरफ से, और साथ में आपको ट्रांसपेरेंट सिलिकन केस मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट दोस्तों में मिल जाती है हमारी डिवाइस, इसको निकाल लेते हैं यहां से बाहर। ओ निकला भाई, तो इसको रखते हैं साइड पे। यहां पर चार्जिंग ब्रिक आपको मिल जाती है, Realme की ब्रांडिंग दी गई है। और यहां पर अगर बात करें रेटिंग की तो जनाब 5V 2A वाली चार्जिंग ब्रिक दी गई है, सिंपल 10W पे आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी, फास्ट चार्जिंग वाली नहीं है ये। इसके अलावा आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, और यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है। तो ये थे जनाब बॉक्स के कंटेंट, इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो इनको करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। ये है हमारी डिवाइस, इसको निकाल लेते हैं बाहर, Realme Note 50। और ये है इसका जनाब स्काई ब्लू कलर। अच्छा, ये डिज़ाइन देखकर ना मुझे ZTE की डिवाइस याद आ गई, ZTE A54 आई थिंक मैंने अनबॉक्स की थी, इस तरह का डिज़ाइन उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा था। तो ये जो स्टिकर है मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। जी तो स्टिकर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया दोस्तों, डिज़ाइन आपके सामने है। ये इसका स्काई ब्लू कलर है, Realme की ब्रांडिंग है। तो डिवाइस को मैं जल्दी से ऑन कर लेता हूँ और इसको करता हूँ सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। जी तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली Realme Note 50 की, ये इसका स्काई ब्लू कलर है, इसमें एक ब्लैक कलर भी आपको मिलता है। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिज़ाइन में आता है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, डिज़ाइन भी ठीक लग रहा है मुझे, स्लिम एंड स्मार्ट है और लाइट वेट भी है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर लें तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, साइड पर सिम ट्रे है, फुल फ्लेज सिम ट्रे आपको मिल जाती है, डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज़ कर सकते हो। नीचे 3.5 mm का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है, बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है साथ में एलईडी फ्लैश, और नीचे कॉर्नर पर Realme की ब्रांडिंग दी गई है। स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। 6.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया, ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 500 nits की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, यूज़ करने में काफ़ी ज़बरदस्त है, स्मूथली यूज़ आप कर सकते हो, टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगा है, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, आउटडोर इंडोर में विजिबिलिटी का आपको कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर 90Hz डिस्प्ले है, लेकिन सेटिंग में जब अगर आप जाकर देखेंगे तो 90Hz का एक स्पेसिफिक ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है ना जब 90Hz वाले फ़ोन होते हैं उनमें, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ऑटो का ऑप्शन है
और 60 हर्ट्ज का ऑप्शन है, मतलब आप 60 हर्ट्ज सेलेक्ट कर सकते हो या ऑटो कर सकते हो। ऑटो में वो ऑटोमेटिकली 60 और 90 पे जो है स्विच करता रहेगा, स्पेसिफिक 90 हर्ट्ज का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ऑल्दो 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे ठीक लगी है, डिस्प्ले अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है। 720 पिक्सल्स हैं, हाई रेजोल्यूशन नहीं है, फुल एचडी प्लस के रेजोल्यूशन होने चाहिए थे मेरे ख्याल में, और ये जो नॉच है ड्यू ड्रॉप नॉच ये खत्म होनी चाहिए थी, पांच फुल डिस्प्ले होना चाहिए था। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है। कैमराज की अगर बात करें तो रेयर में जनाब डुअल कैमरा सेटअप दिया गया, 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है। फ्रंट कैमरा यहां पर दिया गया 5 मेगापिक्सल का, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कम है इस टाइम पर, 5 मेगापिक्सल बहुत कम है, 8 मेगापिक्सल कम से कम होना चाहिए, और मेरे ख्याल में तो अब 8 मेगापिक्सल भी कम रहेगा, 16 मेगापिक्सल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा कम है। बाकी कैमराज की क्वालिटी की अगर बात कर लें तो कुछ इमेजेस के मैंने सैंपल्स क्लिक किए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। चूँकि ये ओप्पो का सब ब्रांड है रियलमी, तो यहाँ पर आपको कलर एक्यूरेसी डिटेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं, और क्वालिटी जो है इमेजेस की वीडियोज़ की वो भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको सैंपल शो करवा रहा हूँ, आप खुद भी देख लीजिए आपको कैसी क्वालिटी लग रही है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी क्वालिटी लगी है रियलमी नोट 50 के कैमराज की। बाकी यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो सारे ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया है, स्लो मो आप नहीं बना सकते। इसके अलावा वीडियो जो है आप 1080 पिक्सल तक जो है शूट कर सकते हो। तो ओवरऑल क्वालिटी जो है ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है, फ्रंट कैमरा की भी अच्छी क्वालिटी लग रही है, लेकिन रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, मेरे ख्याल में 8 मेगापिक्सल या इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन फ्रंट कैमरा में होने चाहिए थे। Realme Note 50 में जनाब 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज लगी हुई है जनाब, लेकिन ये ना अब लोगों को कम लगती है, स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए, 4128 या 6128 को लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर 4/64 आपको मिलती है इसके अंदर स्टोरेज, हालांकि माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दी गई है, कार्ड लगा सकते हैं, मजीद बढ़ा सकते हैं स्टोरेज, लेकिन फिर भी लोग प्रेफर करते हैं 4128। तो मेरे ख्याल में इस प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी सारी डिवाइसेस आपको 4128 के साथ देखने को मिलती हैं, तो Realme को भी ये 4128 बनाना चाहिए था। चलें 4/64 यहाँ पर आपको मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जनाब Realme UI यूज़ किया गया, Realme का अपना UI है जो कि Android 13 बेस्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 13 का सपोर्ट मिल जाता है। UI ठीक है, यूज़ करने में स्मूथ है, चलने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ना गार्बेज देखने को मिलता है, गार्बेज से मुराद प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काफ़ी सारी यहाँ पर देखने को मिली हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ नहीं है। एक क्लीन UI होना चाहिए ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले लोगों को, और बाद में जिसने जो चीज़ इंस्टॉल करनी है वो खुद ब खुद इंस्टॉल कर ले, अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल कर ले, पहले से प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस यहाँ पर मुझे देखने को मिली हैं Realme UI में। चिपसेट की बात करें तो स्प्रेडट्रम T612 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया, ऑक्टाकोर चिपसेट है माली G57 के GPU के साथ, और एंटूटू स्कोर्स की अगर बात कर लें तो तकरीबन 1,95,000 के करीब जो एंटूटू स्कोर आपको मिलता है, क्लाव CPU GPU मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो। 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है, बड़ी बैटरी है, यहाँ पर अच्छी बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी, और साथ में आपको सिंपल 10 वॉट की चार्जिंग मिलती है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर नहीं दी गई। स्पीकर की क्वालिटी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर कुछ रिंगटोन्स हम चला लेते हैं फोन की रिंगटोन्स, और देख लेते हैं स्पीकर की कैसी क्वालिटी हमें यहाँ पर मिलने वाली है। वॉल्यूम मैंने यहाँ पर फुल कर दिया है, तो नीचे दराम सिंगल स्पीकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, ना इतनी ज़्यादा लाउड है ना इतनी ज़्यादा कम है, नॉर्मल सी डिसेंट सी साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो इतना ज़्यादा इश्यू आपको नहीं होगा इसके साउंड को लेकर। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस मुझे ठीक लगी है, डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाता है, कलर ज़बरदस्त है, इसके अलावा स्लिम एंड स्मार्ट डिवाइस है, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन वाइज डिवाइस मुझे ठीक लगी है, कुछ कमियां हैं जो कि बेहतर हो सकती थी। सबसे पहली चीज़ तो 4GB 64GB प्रोवाइड किए इन्होंने, तो मेरे ख्याल में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, 4128 इस प्राइस कैटेगरी में देना चाहिए था, अगर आप 4/64 दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसको अंडर 20,000 रखना चाहिए था, जो कि अच्छी चीज़ होती है और ज़्यादा जो है कस्टमर अट्रैक्ट होता। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हो, प्राइस इसकी कितनी होनी चाहिए थी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इसके अलावा डिस्प्ले में ओवरऑल डिस्प्ले ठीक है, अच्छा डिस्प्ले है, यहाँ पर ब्राइटनेस टच रिस्पॉन्स सब चीज़ें ज़बरदस्त हैं। एक तो यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच खत्म हो जाती,
1080 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन हो जाते हैं और 90 हर्ट्ज डिस्प्ले दिया है, लेकिन स्पेसिफिकली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि 90 हर्ट्ज आप सिलेक्ट कर सको। ऑटो का ऑप्शन है जिसमें वो कभी 60 हर्ट्ज कर देगा, कभी 90 हर्ट्ज कर देगा, मतलब आप ओवरऑल 90 हर्ट्ज फुली जो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ कमियां डिस्प्ले के अंदर है, बाकी ओवरऑल डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी का है। कैमरास की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है, कलर एक्यूरेसी डिटेल्स अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, लेकिन रेजोल्यूशन फ्रंट कैमरा के मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगे हैं, 5 मेगापिक्सल, कम अज़ कम 8 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल होना चाहिए था, तो 5 मेगापिक्सल काफ़ी ज़्यादा कम रेजोल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रोसेसर मेरे ख्याल में ठीक है, T612 प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लगा, इतना बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस आपको डे टू डे यूजेज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आपको हल्की फुल्की गेमिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको करवा देगा, तो इतना बुरा प्रोसेसर यहाँ पर नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर बेहतर हो सकती थी जो कि थी फास्ट चार्जिंग, कम से कम 18 वाट की फास्ट चार्जिंग डाल देते तो सिंपल 10 वाट की चार्जिंग आपको मिलती है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर नहीं दी गई है। 23,500 रुपये इसकी प्राइस है जनाब, मेरे ख्याल में प्राइस भी थोड़ी ओवर कर दी है, थोड़ी ज़्यादा कर दी है, 4,64 के साथ इनको अंडर 20,000 देना चाहिए था और 4,128 वाला वेरियंट इस प्राइस में देना चाहिए था। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।